दोस्तों अगर आप भी जीत हार से परे ऋषभ पंत के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता के खिलाफ मिली 106 रन से करारी हार तो रो पड़े ऋषभ पंत ने। रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी से लगाई मदद की गुहार, करी अपील और जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर आईपीएल में लगातार हार मिलने के बाद पूरी तरह से टूट चुके ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा से क्या बड़ी मदद मांगी और ऐसा क्या वो कह गए कि सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू जरूर झलक जाएंगे, वो सब आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि दिल्ली और कोलकाता के बीच आईपीएल का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 272 रन बना डाले। इस बीच कोलकाता के लिए जब बल्लेबाजी करने फिल सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे थे तब फिल सॉल्ट तो 18 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं फिर उतरे अंगकृष रघुवंशी ने सुनील नारायण के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की। इस बीच सुनील नारायण ने जहां 39 गेंदों पर 85 रन बनाए तो अंगकृष रघुवंशी ने 27 गेंदों पर 54 रन जड़कर अपनी टीम को इस मैच में बनाए रखा। हालांकि यहां पर फिर आंद्रे रसल के बल्ले से 41 रन निकले तो रिंकू सिंह भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 26 रन बनाकर कोलकाता को 272 रन तक पहुंचाया। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स को मैच जीतने के लिए 273 रन चाहिए थे। अब दिल्ली की बल्लेबाजी जब शुरू हुई तो आते से ही पृथ्वी शॉ का विकेट गिर गया जो कि 10 रन बनाकर चलते बने, तो वहीं फिर मिचेल मार्श दूसरी गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे और 26 रन के कुल स्कोर पर दो बड़े झटके लग जाने के बाद, वो भी उस समय पर जब आपको मैच जीतने के लिए 273 रन बनाने हो तो ये बिल्कुल असंभव हो जाता है। और फिर आए अभिषेक पोरेल भी अपना खाता खोल नहीं पाए और डेविड वार्नर भी 18 रन बनाकर चलते बने, और यहां दिल्ली की टीम के लगातार विकेट गिरने की वजह से उनकी टीम इस मुकाबले में पिछड़ती चली गई और अंत में नतीजा तो वही निकला जिसका सबको पता था, दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुकाबला बुरी तरह से हार गई। और इस मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद हर कोई हैरान है कि आखिरकार दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को हुआ क्या। उन्होंने आज के इस मुकाबले में जहां सुनील नारायण को 40 रन पर आउट करने का मौका उनको मिला था, वहां भी उन्होंने डीआरएस ना लेकर उनको जीवन दान दे दिया और उसका खामियाजा ये हुआ जो कि हम सभी के सामने है। और दोस्तों इस मैच में ऋषभ पंत ने अपनी टीम को जिताने के लिए मात्र 25 गेंद पर 55 रन जरूर जड़े, लेकिन दोस्तों 106 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद ऋषभ पंत काफी ज्यादा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, अब बस बहुत हुआ, हमने आईपीएल के दौरान हर कुछ देख लिया, हमारी टीम लगातार मैचेस हार रही है, अब हमारे हाथ में कंडीशन ओवर कंट्रोल हो चुकी है, अब हमने अपनी रणनीतियों में बदलाव करके देख लिए, केकेआर जैसी टीमें हमारे आगे अगर 272 रन बनाएंगी 20 ओवर में तो हम मुकाबला जीत ही नहीं पाएंगे, हमारी टीम इतनी मजबूत नहीं है, हमारा जो भी बल्लेबाज प्रमुख है वो चल नहीं पा रहा है, हमारी टीम गेंदबाजी में अच्छी नहीं है, आखिरकार समझ नहीं आ रहा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी टीम को मैचेस जिता भी सकूं। एक मुकाबला धोनी भैया के खिलाफ जीतने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब हमारी टीम ट्रैक पर आएगी और अब हम मुकाबले यहां से जीतने शुरू करेंगे, लेकिन आज अपने ही घरेलू मैदान पर इतनी बड़ी हार के बाद मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिरकार अपनी टीम में ऐसे क्या बदलाव किए जाएं कि हम जीतने लग जाएं। मैं माही भाई से अब कॉन्टेक्ट करूंगा और उनसे सलाह लेने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आज जो हमने गलतियां की गेंदबाजी में, रसल का विकेट नहीं ले पाए हम जल्दी, वो भी एक बड़ा रीजन था, और सुनील नारायण ने 85 रन बना दिए जबकि हम तो उनको 20 रन से पहले ही आउट कर सकते थे अगर हम डीआरएस ले लेते तो। ये हमारी कई बड़ी कमियां रही हैं और मैं कोशिश करूंगा एक उभरती हुई टीम बनाने में माही भैया की हेल्प ले सकूं। और फिर आगे ऋषभ पंत यह भी कहते हैं कि मैं माही भाई और रोहित भैया से सलाह लेकर अब अगले मैच का इंतजार कर रहा हूं कि आखिरकार उस मैच में हमें मदद मिलेगी भी या फिर नहीं। तो दोस्तों आप सभी क्या मानते हैं कि ऋषभ पंत ने सही कहा, क्या उनको महेंद्र सिंह धोनी की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा की तो टीम वैसे भी अभी तक आईपीएल का एक भी मुकाबला जीती नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और लगता है कि धोनी ऋषभ पंत की मदद करने के लिए जरूर आगे आएंगे। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं, क्या धोनी को ऋषभ पंत की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।